नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा एवं ध्यान मंत्र के विषय में जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के विषय में। लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि माता की सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों में दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारितम शीलम यशासा ब्रह्मचारिणी, अर्थात सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी हैं। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपकी माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। कठिन तप का आचरण करने से ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनकी दुष्कर तपस्या की सराहना तीनों लोकों में होने लगी। भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन देवी ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर व्यतीत किए और फिर 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्रों का ही सेवन किया। इसके बाद बेलपत्रों का सेवन भी छोड़ दिया तथा कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या में लीन रहीं। पत्तों का सेवन छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। इस दुष्कर तपस्या से व्रत करने के लिए इनकी माँ मैना ने उमा कहा, तब से भगवती का एक नाम उमा भी हो गया। देवी ब्रह्मचारिणी की अभूतपूर्व तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के माध्यम से इन्हें संबोधित किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवती ब्रह्मचारिणी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आदि शक्ति के रूप में भी जानी जाती हैं, इसलिए इनको सृष्टि का मूलाधार कहा जाता है। ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को अलौकिक शक्ति प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना के समय साधक का मन स्वादिष्टान चक्र में अवस्थित होता है। इस चक्र में ध्यान लगाने वाला योगी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और भक्ति निश्चय ही प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी भक्तों को अनंत फल देने वाली हैं। जीवन के कठिन संघर्षों में भी इनके भक्तों का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी के भक्तों को सर्वत्र जय व सिद्धि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी के ध्यान का मंत्र इस प्रकार है, दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्धतु मई ब्रह्मचारिणी अनुतमा। माता ब्रह्मचारिणी का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगत्व अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाही विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अर्थात शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो, देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। दोस्तों, यह थी माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की कथा एवं ध्यान मंत्र। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि माता की ये सभी वीडियोस माता के सभी भक्तों के पास पहुंच सकें और माता के सभी भक्त माता की कथा और दर्शन का पुण्य प्राप्त कर सकें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।